नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मेंसुरेशन को देखेंगे, जिसमें कि आज हम एरिया और परिमाप को देखेंगे, क्षेत्रफल और पैरामीटर को देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें हम जहाँ फार्मूला यूज होगा वहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे और कोशिश करेंगे कि बिना फार्मूले के ट्रिक में केवल देख के ही क्वेश्चन को बना लें। यहाँ से कम एक नंबर के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को अंत तक आप अच्छे से देखिएगा। हम यहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे, हर एक प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों क्षेत्रफल और परिमाप में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जहाँ पे हम केवल 2D फिगर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे केवल एरिया और पैरामीटर होगा और कुछ नहीं होगा, डायमीटर एक होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम हम यहाँ नहीं निकालेंगे, केवल एरिया और पैरामीटर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो फिगर आ जाएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। किसके बारे में? रेक्टेंगल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? जिसके चार भुजा होते हैं। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? जिसके मतलब चार भुजा तो होगा सबको। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। और रेक्टेंगल कुल कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है, जहाँ पे आमने सामने के दो भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने के दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए ये क्या है? ये चौराई है, तो ये क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने में चौराई हो जाएगा, लंबाई गुने में चौराई। पैरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 × L + b हो जाएगा, 2 × L + b। और अगर डायमीटर के बारे में बात करें तो डायमीटर क्या हो जाएगा? d = स्मॉल d से डिनोट कर दीजिए, यहाँ पे d = √L² + b² ये होता है डायमीटर। तो हमने देख लिया रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगला हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, रेक्टेंगल के बाद हम देखते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर भी रेक्टेंगल के जैसा ही होता है, बस फर्क इतना होता है, देखिएगा हम यहाँ पहले लिख लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और वर्ग में क्या होता है ना, कि वर्ग में चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब चारों भुजा बराबर हो गए, मतलब एक साइड मान लीजिए ए, तो दूसरा भी चौराई भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? ए गुना में ए, मतलब ए स्क्वायर। और पैरामीटर क्या हो जाएगा? चारों साइड बराबर है, तो चारों साइड को ऐड कर देंगे, मतलब परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योगफल। और डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर √2a होता है। ठीक है, डायमीटर √2 होता है a, तो ये भी मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं अगला। ठीक, ये नंबर टू था, ये क्या था? दूसरा फिगर था। आगे देखिएगा अगला, नंबर तीन में समझते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर तीन में हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल। ये भी क्वाड्रिलेटरल ही था। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। अब इसको हिंदी में बोला जाता है चतुर्भुज। क्या बोला जाता है? चतुर्भुज। हिंदी में बोलेंगे चतुर्भुज। ठीक है, हिंदी में बोला जाएगा चतुर्भुज। अब देखिए चतुर्भुज बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा पहला क्या हो जाएगा, नंबर वन में क्या हो जाएगा? नंबर वन में हो जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है ना, इसको हिंदी में आप लोग समझिएगा समानांतर चतुर्भुज बोला जाता है। समानांतर। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज ऐसे लिख लेते हैं चतुर्भुज को, समानांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजा होती है, उसका टाइप ये होगा। पहला टाइप हो गया समानांतर चतुर्भुज, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज कुल इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, कि जो इसके सामने वाले जो साइड होते हैं वो आयत में क्या होता है? 90 डिग्री का भी बनता है। यहाँ 90 डिग्री का नहीं बनेगा। आयत और स्क्वायर में, मतलब आयत और वर्ग में जो एंगल बनेगा भुजाओं का, वो 90 डिग्री का बनना चाहिए। यहाँ 90 डिग्री का नहीं बनेगा, बट आमने सामने वाले साइड क्या होंगे? बराबर होंगे और समानांतर होंगे, एक दूसरे को कभी नहीं कट करेंगे। और यहाँ ये भी साइड क्या होगा? ये इसके समानांतर होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एरिया क्या होता है? ये हो गया हाइट। ये क्या हो गया? हाइट हो गया। ये मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट हो गया, हाइट हो गया।
इसको हाइट बोलेंगे, जो कि परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। अब इस हाइट का मतलब क्या होता है, एरिया निकालने में काम आएगा। तो एरिया इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू में बेस इंटू में हाइट होता है। एरिया इक्वल टू में क्या होता है, बेस इंटू में हाइट होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एरिया निकाल लिया होगा आपने, ठीक है। और परिमाप पूछा जाएगा तो चारों भुजाओं का योगफल कर दीजिएगा, परिमाप है निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, समानांतर चतुर्भुज हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिएगा ऑप्शन, आगे देखिएगा दूसरा, ठीक है। चतुर्भुज में दूसरा टाइप देखिएगा, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है, समलंब चतुर्भुज। इसमें कोई भी दो साइड आपस में पैरल होंगे, ठीक है, और दो साइड क्या होंगे, पैरल नहीं होंगे, ये चीज होता है। इस तरह का फिगर बनेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए ये साइड ए हो गया, ये साइड क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है ना, साइड ए साइड बी हो गया। अब उसके बाद इसका एरिया निकालने के लिए अगर दिया जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एरिया इक्वल टू में 1/2। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो आप बता सकते हैं। सम ऑफ समानांतर भुजा, मतलब ए प्लस में बी, जो समानांतर भुजा है ना, ये दोनों उसका सम ले लेंगे और गुना में हाइट कर देंगे, तो ये होता है एरिया। अब इसके बाद और कुछ है यहाँ पे, परिमाप आप लोगों को पता है कि परिमाप चारों भुजाओं का योगफल करेंगे, चारों भुजा पता होगा तभी जाके आप परिमाप निकाल सकते हैं इसमें, और कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं, रोम्बस देखते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है। अभी मैंने समलंब चतुर्भुज बताया, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा नहीं था, समलंब चतुर्भुज क्या था, सम लंब चतुर्भुज, ये देखा अभी हमने, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सम चतुर्भुज क्या होता है। सम चतुर्भुज को बोला जाता है इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, रोमबस बोला जाता है, ठीक है, रोमबस, रोम बस, ठीक है, सम चतुर्भुज को रोमबस बोला जाता है। अब रोमबस क्या होता है, इसको बोलते हैं सम चतुर्भुज, सम चतुर चतुर भुज, ठीक है, सम चतुर्भुज। अब ठीक है, अब सम चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, पैरल नहीं होगा, बट आपस में सभी भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, ये स्क्वायर के जैसा होता है। अब ये मान लीजिए कि डायगोनल है, इसमें डायगोनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए डायगोनल 1 हो गया, ये हो गया डायगोनल 2 हो गया, ठीक है, दोनों डायगोनल हमने मान लिया, दोनों डायगोनल का जो लंबाई होगा वो अनइक्वल होगा, और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे कट करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 d1 इंटू में d2 हो जाएगा। अगर डायगोनल नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, d1 इंटू में d2 हो जाएगा। साइड मान लीजिए ए हो जाएगा, तो पैरामीटर निकालना आसान हो गया, 4a हो जाएगा, सेम स्क्वायर के जैसा हो जाएगा, और कुछ यहाँ नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोगों को क्या निकालना होगा, डायगोनल निकालना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल विभाजित करते हैं, मतलब जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे बराबर विभाजित करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं अभी हम लोग, देख रहे हैं बेसिक फार्मूला समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है 2D फिगर में अगला आ जाएगा ट्रायंगल। अभी तक हमने देखा क्वाड्रिलेटरल, देखा चतुर्भुज, देखा अब देखेंगे हम लोग त्रिभुज। अब हम लोग क्या देखेंगे, त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में सबसे पहले क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा। अब ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ट्राइंगल में देखिएगा ये एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल का भी टाइप होगा, तो अभी हम बेसिक जो जनरल ट्राइंगल होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, ये होता है एरिया। और ट्राइंगल मान लीजिए ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, इसके सामने स्मॉल ए हो जाएगा, इसके सामने स्मॉल बी हो जाएगा, और इसके सामने स्मॉल सी हो जाएगा। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी हो जाएगा, ठीक है। एक और फार्मूला दोस्तों मैं लिखाऊंगा, हीरोन फार्मूला बोला जाता है। हीरोन फार्मूला में क्या होता है, एस इज इक्वल टू में ए प्लस में बी प्लस में सी हो जाएगा, मतलब सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे, और अब इससे एरिया आप निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, रूट एस इंटू में एस माइनस में ए हो जाएगा, एस माइनस में बी हो जाएगा, और एस माइनस में सी हो जाएगा, ठीक है। ये एक साधारण ट्रायंगल के बारे में हमने बात किया, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, बेस कहलाएगा, कैपिटल बी से दिखा देते हैं, बेस कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। इससे आप ऊंचाई निकाल लीजिए, इससे आपको जो कुछ करना है वो निकाल सकते हैं।
चलिए, तो एक ट्रायंगल के बारे में हम लोग जान चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण, समकोण इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में बोला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं सिर्फ फिगर बनाता हूँ, कोई भी एक एंगल 90 का होना चाहिए, इसके सामने 90 के सामने वाला जो सबसे लार्जेस्ट साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है, मतलब हिंदी में कर्ण बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर इजिक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इजिक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये एक फार्मूला हो गया, और इसका जो एरिया होता है वही हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू में हाइट, 1/2 बेस इंटू में हाइट। और अगर हम लोग को परिमाप निकालना होगा तो तीनों भुजाओं का योग कर दीजिएगा, परिमाप निकल जाएगा, मतलब तीनों भुजाओं का सम कर देना है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में भी बात कर लिया। अब देखिए, त्रिभुज के और तीन प्रकार होंगे, इक्विलेटरल होगा, एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा, और समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तीन हो जाएगा, विषमबाहु हिंदी में बोला जाता है, उसके बाद समबाहु, समद्विबाहु, ये तीनों हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समबाहु के बारे में। समबाहु को बोला जाता है इक्विलेटरल, सम बाहु, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का साइन बना दिया हमने। समबाहु ट्रायंगल क्या होता है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो हम बनाते हैं एक ट्रायंगल जिसके तीनों भुजा बराबर, अगर ये भुजा ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो इसका परिमाप निकालना तो सबसे आसान हो गया, बट इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू में √3/4a² इसका क्षेत्रफल होता है। अगर पेरीमीटर के बारे में बात करें वो तो सबसे आसान है, 3a हो जाएगा। ठीक है, और कुछ है इसमें ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई देखिएगा, हाइट इज इक्वल टू में, अगर हाइट आपको पता है फॉर्मूला तो कभी कभी आसान करेगा, फायदा करेगा, √3/2a हाइट हो जाएगा, √3/2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने समझ लिया अच्छे से समबाहु त्रिभुज के बारे में, जिसके तीनों भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, जिसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखिएगा विषमबाहु, विषमबाहु स्केलर, स्केलर ट्रायंगल बोला जाता है विषमबाहु को, विषमबाहु, विषमबाहु, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, विषमबाहु त्रिभुज को जिसके तीनों भुजा का जो तीनों भुजा अनइक्वल होंगे, मतलब कहने का मतलब ए नॉट इक्वल टू में बी नॉट इक्वल टू में सी, ये तीनों भुजा बराबर नहीं होने चाहिए, तब ऐसे ट्रायंगल को हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, एंगल के आधार पे भी होता है ट्रायंगल का डिवीजन, बट उसको हम देखेंगे ज्योमेट्री में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, अभी जहाँ पे अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है उस चीज का। तो यहाँ पे मैंने बताया इस प्रकार के जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, अभी हीरोन फार्मूला से मैंने बताया था उससे निकाल लीजिए, या जो जनरल फार्मूला होता है उससे भी निकाला जा सकता है, हीरोन फार्मूला से किसी भी ट्रायंगल का फार्मूला निकाला जा सकता है। ठीक है, और मान लीजिए ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजाओं का योगफल करेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, हम लोग का निकल जाएगा परिमाप निकल जाएगा। अब देखिएगा, आगे देखिएगा ध्यान से, समबाहु, समद्विबाहु क्या है, समद्विबाहु, समद्विबाहु, अब समद्विबाहु एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ऐसे बना लीजिए कोई भी ट्रायंगल समद्विबाहु, और यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ पे सी हो गया, समद्विबाहु। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, दो भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब ये भुजा बराबर है, ये भुजा अलग है आपका। ठीक है, ये भुजा मान लीजिए बी नाम रख दिया इसका, बी इसका बी नाम रख दिया। अब यहाँ पे जो एरिया होता है, एरिया आपको याद रखना होगा, एरिया क्या होता है, यहाँ पे एरिया इक्वल टू में 1/2 √√4a² - b² 4a² - b² एरिया, और ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेस, ये बेस है, ये पहला, ये दोनों में से कोई एक भुजा है क्योंकि दोनों बराबर है, तो ऐसे करके एरिया निकाल सकते हैं। और परिमाप निकालना होगा तो 2a + b हो जाएगा, मतलब तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो ये बेसिक हमने ट्रायंगल जान लिया। अब जानते हैं पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है, जिसके तीन या तीन से ज़्यादा साइड होते हैं उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगन हो गया, और ट्रायंगल भी एक पॉलीगन हो गया, स्क्वायर भी पॉलीगन हो गया। अब बहुभुज देखते हैं, मतलब जिसके पांच भुजा होते हैं, छह भुजा होते हैं, ऐसे सुना होगा ना, पेंटागन। ठीक है, तो उसको देखते हैं।
आप लोगों को पता होगा पेंटागन के बारे में, पेंटागन क्या होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, जिसके 5 साइड होते हैं उसे पेंटागन कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे देखिए यहाँ पे ये मैंने पेंटागन बना दिया। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एक चीज यहाँ पे देखना है कि कितने ट्रायंगल बनते हैं आपके, यहाँ पे देखना आपको कि कितने ट्रायंगल बनते हैं। तो 1 2 3 कितने ट्रायंगल बने, 3 ट्रायंगल बने यहाँ पे। तो टोटल कितना, टोटल एंगल निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो 3 गुना में 180 हो जाएगा। 3 ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल 180 देगा, तो 3 ट्रायंगल 3 गुना में 180 मतलब 540 दे देगा। ठीक है, 40 दे देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने साइड होंगे, जैसे ये कैसे निकाला हमने, 5 है ना, 5 साइड है, तो 5 में से 2 घटाइए। अब पूछेगा पूछेगा षष्ठभुज का, तो षष्ठभुज में कितने साइड होंगे, 6 साइड होंगे। पॉलीगन में भी 2 टाइप का होता है, एक रेगुलर होता है एक इरेगुलर होता है। तो ये रेगुलर वाला वो उसे कहते हैं जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं। अब मान लीजिए षष्ठभुज में निकालना है, तो इसमें 4 कितने ट्रायंगल बनेंगे, 4 6 माइनस में 2 मतलब इसमें 4 ट्रायंगल बनेंगे। और टोटल एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा, तो 180 से गुना कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल एंगल निकल जाएगा षष्ठभुज में 720 हो जाएगा। तो कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मुझे नहीं लगता है कि मेंसुरेशन में दिया जाएगा, वो जब मैं आपको ज्योमेट्री बताऊंगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपसे एक्सटर्नल एंगल पूछा जाता, तो 360 लिखते और नंबर ऑफ भुजा से क्या करते, डिवाइड कर देते, मतलब 5 से डिवाइड कर दीजिए 360 को, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से, मतलब कितने आसानी से इसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा। ठीक है, अब हम कुछ देर में क्वेश्चन को भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं और तुरंत हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम टाइप 1 की तरफ चलते हैं, जल्दी से देखिएगा टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 जल्दी से देखिएगा। देखिएगा पहला टाइप आ चुका है, पहले टाइप में पूछा गया है कि यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, बढ़ा दिया गया हो, तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करने से उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एक्चुअल में किसका क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। अगर परसेंटेज आपने अच्छे से किया हुआ है तो ये क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है, बच्चों का खेल है आपके लिए। देखिएगा 20% बढ़ा दिया गया, मतलब हो गया कितना, 120 हो गया। ठीक है, लंबाई में आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया हो, तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कमी करना होगा। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि पहले 100 था एरिया, अभी कितना हो गया, 120% हो गया। कितना ज़्यादा हो गया, 20 से ज़्यादा हो गया। अब परसेंटेज जो निकालेंगे 120 से निकालेंगे, क्योंकि यही चेंज हुआ है, और इसको सॉल्व कर देंगे, परसेंटेज में बना देंगे। ठीक है ना, परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। चीनी वाला क्वेश्चन मैंने बताया होगा, परसेंटेज में कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, 1 0 से 1 0 6 बार में कट गया, और ये 50 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 50/3% आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया यहाँ पे कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो उसके चौड़ाई में 16.2/3% की कमी की जाएगी। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और देखिए कितने आसानी से हमने बना लिया, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज आता था। फॉर्मूला से नहीं बनाइएगा, नहीं तो फॉर्मूला में फंसेंगे आप। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 25 किलोमीटर कर दी गई, मतलब कि आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 25% की कमी कर दी गई, उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो सेम वही क्वेश्चन है, तो पहले था 100, अब कितना हो गया, 75 हो गया, कमी हो गया, तो 100 में से घटा देंगे, और उस समय वृद्धि हुआ था तो 120 हो गया था। अब इन दोनों का गैप कितना आएगा, 25 आ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जो बाद में हो गया, जो नया है, 75 के रिस्पेक्ट में, गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काटिए, 25 से कम 25, 25 तिया मतलब यहाँ आंसर आ जाएगा 100/3। तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे, 100/3% लिखेंगे। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिख सकते हैं 33/1/3% है, लिख सकते हैं। ठीक है, 33/1/3% हम लोग लिख सकते हैं। आगे लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे कमी किया गया है, तो यहाँ पे कमी किया गया, जब कमी किया गया तो हम इस तरह से बना लेंगे। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हटाइए,
अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिए। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है कि किसी आयत की लंबाई में 10% है तथा चौड़ाई में 20% की बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिएगा, किसी आयत की लंबाई में 10% एवं उसके क्षेत्र चौड़ाई में 20%, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, 100 में से ही बढ़ेगा ना। कितना है पहले, कितना इंक्रीज हुआ है, 20%। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीन, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब देखिएगा, यहाँ पे आयत की लंबाई में 10% एवं चौड़ाई में 20%, तो 110 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये और ये कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, मतलब हो जाएगा 132%। 132 होगा ना, मतलब उसके क्षेत्रफल में 32% का क्या होगा, वृद्धि होगा। यही आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, क्योंकि 100 से ज़्यादा आया इसलिए वृद्धि हो गया, और परसेंटेज मैंने बता दिया है इसलिए देखिए आसानी से बन रहा है। ठीक है, जहाँ परसेंटेज होगा वहाँ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाइएगा, एक जगह आपको फार्मूला नहीं लगेगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो साधारण बच्चे क्या करेंगे, फार्मूला लगाना स्टार्ट करेंगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 10% की कमी होती है तथा ऊंचाई में 20% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिएगा यहाँ पे क्षेत्रफल में पूछा है, तो मान लीजिए 100 लिख लिए और कमी पहले कितना होता है, 10%, मतलब 90% हो जाएगा यहाँ पे। और वृद्धि कितना होता है, यहाँ देखिएगा वृद्धि कितना लिखा हुआ है, वृद्धि लिखा हुआ है 20% है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 10 भी कट जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा, 8% हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने बना लिया। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, सॉरी, और इसका आंसर कितना हुआ, 8% का वृद्धि हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमने काफी आसानी से बना लिया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 10% की कमी कर दी जाए, कम कर दिया जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आयत दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई है, मतलब टू डायमेंशन के बारे में बात किया जा रहा है। 20% की कमी और 10% की कमी, मतलब 20% की कमी मतलब 80% हो जाएगा, और 10% की कमी मतलब 90% हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो 100 से 100 को काटिए, 10 से 10 को काटिए, मतलब 72 हो गया। 100 से कितना घट गया, 100 से 28 घट गया, 100 में से घटाइए, 28% की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये 100 से कम है। देखिए कितने आसानी से हम लोग बना रहे हैं सभी क्वेश्चन को। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइप 3 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, टाइप 3 को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे वृत्त में का एरिया क्या होता है, पता है आपको, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने एरिया आपको बताया, क्योंकि ये टू डायमेंशन है। ठीक है ना, टू डायमेंशन है, एरिया हमेशा टू डायमेंशन है, तो वहां दो डायमेंशन आपको चाहिए, तो वहां पे वृद्धि होता है, तो 110 हो जाएगा 2200, और 10 से 10 केवल होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये टू डायमेंशन है। वन डायमेंशन होता तो बात अलग होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 121/100, मतलब इसको क्या बोलेंगे, 121%, 121% है, मतलब ये कितना ज़्यादा है, 100 से 21% ज़्यादा है। तो देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप देख के भी बना सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया गया, एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, उसके एरिया में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये चीजें आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना प्रतिशत बोला गया है कि 20%, मतलब भुजा के बारे में बोला गया है कि ना कि लंबाई और चौड़ाई के बारे में, मतलब यहाँ पे 20% का दो बार कमी किया जाएगा, एक बार लंबाई में 20% का कमी हो जाएगा और एक बार चौड़ाई में, मतलब 20% का कमी हो जाएगा, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ टू डायमेंशन है, तो उसी के जैसा हम लोग केवल क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते तो भी काम चल जाता। 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गया, मतलब 64% हो गया, मतलब 36%, 100 में से घटाइएगा जब 64 को, तो 36% आ जाएगा। इसको हमने क्या किया,
100 में से माइनस कर दिया तो 36% आपका आंसर आ जाएगा, मतलब उसके क्षेत्रफल में 36% की कमी हो जाएगी। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप इसको परसेंटेज के भी कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे टाइप फोर क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा टाइप फोर क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में अपने मूल त्रिज्या का तिगुना हो जाता है, जो उसका मूल त्रिज्या था ना उसका तिगुना हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले वो 1 था, अभी वो कितना हो गया, 3 गुना हो गया। अब यहाँ पे मैंने बोला कि इसका भी स्क्वायर कीजिए तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसको क्या कीजिए, 1 में से घटा दीजिए, क्योंकि पहले तो 1 ही था, अभी बाद में कितना हो गया, 9 हो गया, क्योंकि इसका जो त्रिज्या हो गया यहाँ भी 1 का स्क्वायर ही किया गया है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये पुराना त्रिज्या हो गया, ये वृद्धि होने के बाद हो गया, मतलब कितना इंक्रीज हो गया, 8 है। अब ये 8 फ्रैक्शन में परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, मतलब 800% का चेंज आ जाएगा, मतलब 800% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा अगर उसके त्रिज्या को 3 गुना करते हैं। तो देख सकते हैं कुछ नहीं करना है, केवल समझना है कि 2 डायमेंशन फिगर है तो जो भी दिया है ना उसको स्क्वायर कर दीजिए, कोई भी फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा रहे यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया यहाँ पे कि एक त्रिभुज के आधार को दुगुना तथा ऊंचाई को 1.5 गुना कर दिया जाता है। आधार को दुगुना, बेस को कितना किया जाता है, दुगुना, और यहाँ पे और क्या कहा किया जाता है, ऊंचाई को 1.5 गुना कहा किया जाता है, तो कुछ नहीं 1.5 लिख दीजिए, दोनों को गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके क्षेत्रफल में, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, सेम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, 1 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। अब 2 परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, मतलब जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा वो 200% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या करेंगे, 100 में से घटाते भी हम लोग, तो 200 में से 100 को घटाइएगा तो 100% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने घटाया था 100, मतलब 1 को घटाया था, यहाँ भी तो घटा चुके हैं ना, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे घटा चुके हैं, मतलब आंसर कितना आएगा, 200%, यहाँ देखिए ना 1 को घटाया हुआ हमने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200% हो जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर को परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, ठीक है। तो आंसर ला के हमने परसेंटेज में किया, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने बना लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 10। एक आयत के आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई 40 और 30 दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 10 है, ठीक है। एल इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, और बी इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ठीक है। एल इक्वल टू में 40 और 30 दिया हुआ है। मैदान के भुजाओं को के साथ बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल बनाना। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसा फिगर बनेगा, पहले तो हम इस क्वेश्चन का फिगर को बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि एक आयताकार मैदान है, उसके बाहर ये एक रास्ता बनाया गया है, ये अंदर में आयताकार मैदान है, उसके बाहर शायद बनाया गया ना। तो यहाँ देखिए मैदान के भुजाओं के साथ बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा, मतलब ये जो चौड़ाई है ना यहाँ से 5 मीटर, और ये भी जो होगा ना ये भी 5 मीटर, ठीक है, ये भी 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, मतलब रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर हर जगह से, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल निकाले। अब यहाँ पे 2 क्षेत्रफल है, एक लार्ज वाला रेक्टेंगल है, एक स्मॉल वाला रेक्टेंगल है, मतलब क्या कीजिए कि स्मॉल वाले में से पूरे रेक्टेंगल को घटा दीजिए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे कैपिटल एल निकाले तो 5 यहाँ से ऐड होगा, 5 यहाँ से ऐड होगा, टोटल 10 ऐड हो जाएगा तो 40 की जगह पे 50 हो जाएगा, और बी में भी सेम टोटल 10 ऐड होगा ये, ठीक है। तो बी में भी सेम 10 ऐड होगा तो बी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 और 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जनरली आप बनाएंगे तो यहाँ से एरिया निकालिएगा, यहाँ से एरिया कितना निकल जाएगा, 40 गुना में 30 निकल जाएगा, तो 40 गुना में 30 कितना होता है, 1200 हो जाएगा, और यहाँ से अगर एरिया निकालने का कोशिश करेंगे तो 50 गुना में 40 हो जाएगा 2000, 50 गुना में 40 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब इस 2000 को 1200 में से घटा दीजिए तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2000 में से 1200 जाएगा तो 800 निकल जाएगा, तो 800 मीटर स्क्वायर होगा या जो भी दिया होगा उसमें आंसर आपका आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन और कितने आसानी से बनाया, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद
क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, टाइप बी दोस्तों चेंज हो गया, टाइप 6 है। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई 60 मीटर और 40 मीटर है, बीचों बीच है, यहाँ पे 4 मीटर चौड़ी दो रास्ते बनाए गए हैं, मतलब एक नहीं दो रास्ता है, एक दूसरे के समकोण पे काटती है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकाले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले इसका फिगर ऐसे बना लिए, आयताकार मैदान बोला गया कि वर्गाकार बोला गया है, आयताकार मैदान बोला गया, यहाँ पे फिगर बना लिए। अब बीचों बीच एक रास्ता ये बना लीजिए और समकोण पे काटता हुआ ये बीचों बीच एक रास्ता ये बन गया। इस रास्ते का चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर, इस रास्ते का चौड़ाई दिया 4 मीटर, और इस पूरे का लंबाई कितना दिया हुआ है, इस पूरे का लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई 60, चौड़ाई 40। लंबाई 60 हो गया और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे और कुछ होगा यहाँ पे, नहीं होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया यहाँ पे, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, इसके लिए मैं आप दोस्तों आपको पहले एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप लोग बना सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए, फिर बीच वाले का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब इस पार्ट को निकालिए, इस पार्ट को निकालिए, उसको 2 से गुना कीजिए, इस पार्ट को निकालिए, इसको 2 से गुना कीजिए, और इस पार्ट को निकालिए, सबको ऐड कर दीजिए, और टोटल का निकाल के घटा दीजिए। तो वो काफी लंबा लगेगा, बट मैं इसका आपको शॉर्ट बताता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए शॉर्ट कैसे बनाएंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया एरिया इक्वल टू में एक्स है, एक्स मतलब है, मैं बताऊंगा कि एक्स मतलब क्या होगा, जो एक्स जो है ना रास्ते का चौड़ाई है, तो एक्स हो गया 4, और इंटू में क्या हो जाएगा, एल प्लस में बी, माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक बन गया, अब इसको बैठाइए, आसानी से बनाइए, अब इसको बैठा दे, हम लोग बना लेते हैं इसको बैठा के। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे एल प्लस में बी कितना हो जाएगा, 60 प्लस में 40 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 4 गुना में 100 मतलब 96 हो जाएगा, 4 गुना में 96 हो जाएगा, और यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया अगर निकाले 96 गुना में 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 96 गुना में 4 हो जाएगा 384 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 384 मीटर स्क्वायर। देख सकते हैं कि आसान क्वेश्चन है, अगर आप केवल ये छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो आसानी से आप बना लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में बना तो लीजिएगा, टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, बट हमें टाइम बचाना है तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा ना। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपने बना लिया, आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। 12 में पूछा गया है कि 20 मीटर तथा 15 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत के मध्य में 2 लंबवत रास्ते हैं जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है, एक दूसरे के समकोण पर काटती है, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का शेष से भाग में घास से लगाई गई, मतलब बाकी भाग में घास लगाई गई, तो घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकाले। अभी हमने किस चीज का निकाला था क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में अभी हमने निकाला था रास्ते का क्षेत्रफल, अब हमें निकालना है शेष भाग का, मतलब हम लोग से पूछा जा रहा है कि ये जो बचा हुआ भाग है ना, यहाँ पे घास लगा गया, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकाल ही लिए, टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे 2400 और दोनों को घटा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं ऐसे करना है तो एक और चीज मैं बताऊंगा, पहले इस चीज को मैं हटा देता हूँ, फिगर तो सेम है यहाँ पे, कुछ भी चेंज नहीं है, केवल डायमेंशन चेंज होगा। डायमेंशन कितना है यहाँ पे, 15 चौड़ाई है, 15 चौड़ाई है, और 20 से कोई भी हो गया, 20 मान लीजिए, 20 15 के रेशियो में दिया हुआ है, और रास्ते का चौड़ाई फिर से 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से वही निकालिए, क्या अभी फार्मूला लगाए थे, फार्मूला क्या लगाए थे अभी हम लोग, एक्स एरिया 1 लिख लेते, एरिया 1 इक्वल टू में एक्स इंटू में एल प्लस में बी, एल प्लस में बी माइनस में एक्स है, जल्दी से लिखे तो 4 इंटू में 15 और 20 होता है 35, सीधा लिख लेते हैं, माइनस में 4 कीजिएगा, मतलब 31 चौके कितना होता है, 31 चौके कितना होता है, 124 होता है, 124 हो गया। और उसके बाद क्या कीजिएगा, टोटल निकालिएगा, एरिया 2 निकाल लीजिएगा, तो एरिया 2 हो जाएगा 20 गुना में 15, मतलब ये आ जाएगा 300 निकल जाएगा, ठीक है। ये कितना निकल जाएगा, 300, इन दोनों को घटा लीजिए, रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा, ठीक है। ये भी थोड़ा लंबा है, मैं इसका शॉर्ट भी बताऊंगा, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना निकल जाएगा यहाँ पे, अगर निकालेंगे तो 176 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 176 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना होगा और जल्दी बना लेंगे। बट हम अगर ऐसे आप नहीं चाहे, एक बार में निकालना चाहे, तो क्या करना होगा, बहुत आसान चीज़ मैं बताता हूँ। रिक्वायर्ड एरिया अगर घास का निकालना है
तो क्या हो जाएगा, एल माइनस में एक्स हो जाएगा और बी माइनस में एक्स हो जाएगा। इस तरह फॉर्मूला एक लिखिए, 20 माइनस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 गुना में 11 हो जाएगा, मतलब देखिए कितना आ गया, 176 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 12 को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20, 15 और 4 मीटर है। कितना है, 20, 15 और 4 मीटर है कमरे की ऊंचाई, LBH मतलब उसका डायमेंशन दिया है कमरे का। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। कमरा ये होना चाहिए था, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो कमरा ऐसे 3D होगा, बट एरिया क्या होता है, 2D होता है, वॉल्यूम क्या होता है, 3D होता है। तो चार दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चार दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, एक कमरा किस शेप में होगा, क्यूब के शेप में होगा। क्यूब कैसा होगा, हम 3D फिगर बना के देखेंगे, ठीक है, 3D फिगर बना के देखेंगे, तो ऐसा होगा। ये मैं अगले क्लास में आप लोग को बताऊंगा, कमरा कुछ ऐसा ही होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया जो चार वॉल का होता है, एरिया ऑफ फोर वॉल, मतलब ऊपर से नहीं लेना, नीचे से नहीं लेना है, केवल चार दीवार। तो ये क्या होता है, 2HA, 2HA, L प्लस में B होता है। ये क्या होता है, 2HA, L प्लस में B होता है, कर्व सरफेस एरिया। और यहाँ पे क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 × में LB प्लस में BHA प्लस में HL। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा तो, मतलब पूरे के पूरे रूम का क्षेत्रफल पूछा तो ये आपको लिखना है। अगर डायमीटर पूछा, मतलब इसमें पूछा सबसे लंबा छड़ कितना कितना मीटर का लगाया जा सकता है, तो डायमीटर का फॉर्मूला लिखेगा L² प्लस में B² प्लस में H² रूट में, ठीक है। तो ये डायमीटर भी मैंने बता दिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है चार दीवार का क्षेत्रफल, तो इस वाले को यूज कीजिए, चार दीवार के क्षेत्रफल को। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो पूछा गया है यहाँ पे, 2 × में हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 4, और लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है, 20 और 15 दिया हुआ है, 20 और 15 दिया हुआ है। सॉल्व कर दीजिए गुना करके, तो 35 दहाई के होता है 300, कितना हो जाएगा, 35 और ये 8, तो ये हो जाएगा 280 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 280 मीटर स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आसान है और आसानी से आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को, देखिएगा हमने बना लिया इस क्वेश्चन को। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10, 8 और 4 दिया हुआ, कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ें लगाई जा सकती है। सेम क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको डायमीटर निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा क्वेश्चन अभी हल कर रहे हैं, अभी 14, और ये वाला जो क्वेश्चन अभी देख रहे हैं ये 13 था, ठीक है। देखिए तो फिगर एक ही है, डायमेंशन अलग अलग है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, L² L कितना है, 10 से 8 और 4, मतलब 10 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस में 8 का स्क्वायर कीजिएगा और प्लस में 4 का स्क्वायर कीजिएगा, करके देखिए तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा, प्लस में 64 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास ये आ जाएगा, तो ये निकल जाएगा 180, रूट में क्या निकल जाएगा, 180। यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा 180 तक है। अब यहाँ पे डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 36/5, मतलब 6√5 हो जाएगा। डायमीटर क्या हो जाएगा, 6√5 हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को दिख रहा होगा, 6√5 भी क्या हो जाएगा, मीटर होना चाहिए, मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, 2 डायमेंशन है तो, और डायमीटर क्या होगा, 1 डायमेंशन है तो मीटर में होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता है, पूरे कमरे का क्षेत्रफल पूछेगा तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हटा देते हैं, एक जैसे क्वेश्चन थे। देखिए 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के बाहर की ओर, बाहर ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया हुआ है, तो आपको बताना है कि रास्ते की का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे वर्गाकार है, तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे फिगर कैसा बनेगा, वर्गाकार बनेगा, और बाहर की ओर सेम पहला जो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन था वही दिया हुआ है, ठीक है, बाहर की ओर बना हुआ है। अब आगे इसमें दिया हुआ है 40, मतलब ये टोटल क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। रास्ते का चौड़ाई पूछा होगा, रास्ते का चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर चौड़ा, मतलब ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं ना, ये 3 मीटर है, ये कितना है, 3 मीटर, ठीक है। तो 3 मीटर अगर होगा तो 43 से 46 हो जाएगा ना। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें निकालना क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल,
मतलब छोटे वाले स्क्वायर को क्या कीजिए, बड़े वाले स्क्वायर में से घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो उसके लिए एक रास्ता मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आप लोग चाहे तो वैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपल सा फॉर्मूला लिखवाता हूँ, 4x ए माइनस में एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्टेप से जानना होगा तो वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो चार गुना में क्या हो जाएगा, एक्स, चार गुना में एक्स कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और 40 माइनस में तीन कितना हो लिखेंगे, एक्स का वैल्यू तीन, मतलब रास्ते का चौराई क्या होता है, एक्स मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12, 12 गुना में क्या हो जाएगा, 12 गुना में 37 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 गुना में 37 हो जाएगा, तो 12 गुना में प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, फॉर्मूला में थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो 12 गुना में यहाँ कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 12 गुना में 43 हो जाएगा। तो 12 गुना में 43 कितना हो जाएगा, तो 12 गुना में 43 यहाँ पे हो जाएगा 516 हो जाएगा, 12 गुना में 43 कितना हो जाएगा, 516 हो जाएगा, 516 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने बना लिया। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे तरीके से बनाए तो वो भी तरीका है, एरिया वन निकालिए। एरिया वन कितना हो जाएगा, एरिया वन हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एरिया वन। एरिया टू निकालिए, तो एरिया टू क्या हो जाएगा, 46 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक जो लार्जर है ये देख रहा है ना स्क्वायर, ये 46 है, तीन ऊपर तीन नीचे, तो सभी साइड क्या हो जाएंगे, 46 ही हो जाएंगे। अब इन दोनों को घटाइए, तो a प्लस बी कीजिए, a माइनस बी कीजिए, तो वैसे भी बन जाएगा। तो a प्लस बी कीजिएगा, मतलब घटाइएगा ना, तो दोनों स्क्वायर में है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a प्लस बी कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 86, और a माइनस बी कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस इन दोनों को गुना कर दीजिए, आपका फिर भी आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 516 आ जाएगा, 516 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इस तरह से भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था। देखिएगा दोस्तों, अब टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 16 को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाता है, ठीक है, चौड़ा कालीन बिछाया जाता है, तो कालीन की लंबाई क्या होगी। तो मान लीजिए जो कमरे का डायमेंशन है ए और बी है, ए कितना दिया, 8 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ठीक है ना, 6 दिया हुआ है। और कालीन का चौराई कितना दिया हुआ है, कालीन का चौराई हम लोग को दिया हुआ है एक्स मान लीजिए, वो 1.6 दिया हुआ है। अब इसमें जो कालीन बिछाएंगे वो कितना लंबा होगा ये पूछा है, तो कुछ नहीं कीजिए, लंबाई निकालना है ना, तो जो मतलब जो कारपेट होगा, लेंथ क्या निकल जाएगा कारपेट का, ए मल्टीप्लाई में बी कीजिए अपॉन में एक्स कर दीजिए, कारपेट का लेंथ निकल जाएगा, 8 गुना में 6 कीजिए, 1.6 से भागा दे दीजिए, अब ये 10 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 8 गुना में 6 गुना में 10 हो जाएगा, बटे में 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब ये जो लेंथ निकल जाएगा वो 30 मीटर निकल जाएगा, 30 मीटर आपका लेंथ निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कितने आसानी से क्वेश्चन नंबर 16 को भी हमने बना लिया। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, और ये दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। चलिए देखिएगा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी समझने का कोशिश कीजिएगा। लिखा गया है कि, पहले मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 लिख लेता हूँ। लिखा गया है कि एक कमरा 20 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा है, सेम क्वेश्चन है, इसमें पूर्ण रूप से कालीन बिछाने के लिए 50 सेंटीमीटर चौड़े कालीन की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, यदि ₹5 प्रति वर्ग मीटर कालीन पर खर्च आता है तो कुल कितने खर्चे होंगे, कुल कितने पैसे लग जाएंगे कालीन को बिछाने में, इस चीज को आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, कालीन की लंबाई निकालेंगे, तो कालीन की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कालीन की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 मीटर 10 मीटर पूर्ण रूप से कालीन बिछाना है जो कि 50 सेंटीमीटर का है, तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया था, ए गुना में बी बाई एक्स है। अब यहाँ पे ए कितना है, ए यहाँ दिया हुआ है 20 गुना में 10 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, 20 गुना में 10, और ये जो दिया है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा 100 से भागा कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 हो जाएगा, ठीक है, ये जब ऊपर होगा तो इससे जाके गुना होगा, मतलब ये हो जाएगा 200 गुना में 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये 400 निकल जाएगा, ये क्या निकल गया, लेंथ निकल गया, कालीन का लेंथ निकल गया,
जो लंबाई, जिस लंबाई का कालीन होगा वो निकाल लिया हमने। अब देखिए कालीन का क्षेत्रफल निकल गया, अब कालीन पे खर्च निकालना है कि कालीन पे खर्च कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कालीन का क्षेत्रफल मतलब ये तो लंबाई निकाल लिए और कालीन का चौड़ाई दिया था, मतलब कारपेट का एरिया कितना होगा वो निकालना होगा, एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू में बी, एल कितना हो गया 200 निकला कि 400 निकला, 400 निकला, 400 गुना में 50/100 क्योंकि वो सेंटीमीटर में है, तो एरिया कितना निकल जाएगा 200। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 200 हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, एरिया निकाल लिया हमने 200। तो कुल कितने रुपए खर्च होंगे ये हमको निकालना है, तो यहाँ कुल कितने रुपए खर्च होंगे, 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से, मतलब कॉस्ट कितना लगेगा इस कमरे में कालीन बिछाने का, 200 गुना में 5 मतलब कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को हमने कंप्लीट किया। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह हम मैथ्स के सभी क्लास को कंप्लीट बहुत जल्द करवा देंगे। अभी तक हमने 26 से एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों शेयर कीजिएगा और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा। और कोई भी डाउट होगा, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।